हम इस वक्त पांडे हाता में हैं, यहाँ पे होलिका दहन अभी थोड़ी देर में यहाँ योगी आदित्यनाथ इस प्रोग्राम में होलिका दहन के प्रोग्राम में आने वाले हैं, जो कि ये 95 साल पुरानी परंपरा है यहाँ की और होलिका दहन हो रही है 1927 से। और यहाँ योगी आदित्यनाथ आते हैं और होलिका दहन में यहाँ होलिका जी की पूजा करते हैं। पूजा आरती के बाद यहाँ शोभा यात्रा निकलती है। इस बार शोभा यात्रा का यहाँ आकर्षक चीज ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल भी मौजूद हैं। हाँ, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश उर्फ सिप्पू। रजनीश जी, आपको, आप योगी जी के हमशक्ल हैं, किसने बताया आपको? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि योगी, कब पता चला आपको ये कि आप? मैं बचपन से, जब से योगी जी को मैं देखा जी, तब से ही मेरा लुक उनसे मिलता चला गया जी, जी। आज भी मेरा लुक उनसे है, बहुत सौभाग्य की बात है कि भाई मेरा उनसे चेहरा मिलता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरी दुकान है, फर्नीचर की दुकान है। अच्छा, फर्नीचर की दुकान पे बैठते हैं तो आपसे कुछ लोग, मतलब इस तरह आते हैं? मैं सहजनवा में बरात गया था आज से लगभग 10-12-15 साल पहले, तो मैं उतरा वहाँ पे, जैसे नहीं होता काफी चाय पीने के लिए, तो मैं गया पूछा, तो हमको देखे सब, बोले सर एक बात पूछे, तो पूछो क्या आप? योगी जी, मैंने बोला उनके भाई हैं सोमनाथ जी, तो मुझे बहुत वो फीलिंग हुआ। कहीं जाते हैं तो योगी जी के नाम पे बहुत लोग हमको चर्चित हैं, पीपीगंज में कहीं चीज पूछिएगा तो योगी जी के भाई, तो सब लोग जानते हैं। देखिए, योगी जी के हम सकल हैं और ये जहां भी जाते हैं इनके साथ लोग सेल्फी लेने के लिए होड़ लग जाती है। आइए हम बात करते हैं, होलिका दहन जो समिति है ये कितनी पुरानी है और कब से यहाँ होलिका दहन हो रही है? हाँ, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पटवा, होलिका दहन उत्सव समिति अध्यक्ष जी। ये होलिका दहन पुरानी परंपरा रही है, कब से ये चल रहा है यहाँ? हमारे पूर्वजों के समय से ये चल रहा है सर, 1927 से और पूर्वज इसको करते चले आ रहे हैं, उसके बाद में ये हम लोगों के हाथ में आया, तब से अनुरोध ये 1927 से अभी तक। गोरक्षपीठ से इसका क्या रिश्ता रहा है? गोरक्षपीठ से सर बड़े महाराज जी महंत अवध्यनाथ जी जब थे, तब से इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते थे जी। उनके बाद योगी आदित्यनाथ जी जब से हुए सांसद थे तब भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते थे जी। अब मुख्यमंत्री होने के बाद भी यहाँ 2 बार आ चुके हैं जी। इस शोभा यात्रा को संचालित करने के लिए और आज सौभाग्य हमारा कि इस वर्ष भी महाराज जी आ रहे हैं और शोभा यात्रा को यहाँ से प्रारंभ करेंगे, तत्पश्चात आरती करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे, तब यहाँ 2017 और 2018 ये आखिरी बार यहाँ आए थे, कोरोना की वजह से फिर यहाँ पे वो शामिल नहीं हो सके थे। उस कोरोना के बाद जो है आज 2022 में फिर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ पे उत्सव का माहौल है और बहुत ही लोग काफ़ी यहाँ खुश हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं स्वागत के लिए। यहाँ हर घर पर सजावट हुई है और जगह जगह स्वागत द्वार बने हुए हैं। गोरखपुर से NBT डिजिटल के लिए अनुराग पांडे।